आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज जी की, गुरु नाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, चाय चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज जी की, व्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी की, ऋषि विशाल सागर जी महाराज जी की, देखिए अपन सभी लोग भले ही उनको नहीं पहचान पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ऐसे संत थे कि वास्तव में उनके इतिहास को अपन देखें, मुझे नहीं लगता है कि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद ऐसा कोई महान आचार्य परमेष्टि हुए हो। हजारों वर्ष का इतिहास अपन देखेंगे कि अपने आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के लिए इतने महान कार्य किए हों, और हमेशा ऐसे वो आचार्य परमेष्टि जागृत रहते थे। उनकी स्मृतियां आज अपन सब के सामने मात्र रह गईं, किंतु वो अंदर से इतने जागृत थे। आप पढ़ेंगे कि एक बार कटनी में बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए, उस समय बहुत पुरानी बात है, उसी समय भी वो बहुत अलर्ट थे और उन्होंने कह दिया था कि मुझे अब कोई आचार्य नहीं बोलना, और अपने आचार्य पद को देने के लिए तैयार थे। ऐसी उनकी कठिन तपस्या रही, ऐसी उनकी कठिन साधना रही आचार्य भगवान की, कि हमेशा आचार्य पद पर वो विराजमान थे तो ऐसी साधना करते थे। हम लोग गुरुवर के संग में जब पहुंचे, ऐसे पूरे मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर अपने संग के प्रति, अपने संग के साधुओं के प्रति और पूरे सारे देश के प्रति जो करुणा, जो वात्सल्य, जो अनुकंपा का भाव हुआ करता था, रहता था, वो देखते ही बनता था। मुझे तो ऐसे लगता है इस पंचम काल में उन आचार्य भगवान जैसा व्यक्तित्व ना तो हुआ है और आगे मुझे ऐसे लगता है कि ना कोई होने वाला है। ऐसी करुणा, अनुकंपा, वात्सल्य, देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उनकी जो कर्म निष्ठा थी बंधु, वो गजब की थी। हम लोग जब आचार्य भगवान ने एक ऐसी सूझबूझ से उन्होंने एक हम लोगों को एक 30-32 ब्रह्मचारियों को जब दीक्षित करने का मन बनाया तो एक ग्रुप बनाया, तो उस समय अमरकंटक में अक्षय सागर जी महाराज हम लोगों की क्लास लेते थे, और उस समय उन्होंने एक बार बताया, आचार्य श्री यूं तो हम लोगों को बहुत अध्यात्म देते थे, और एक बार अक्षय सागर जी महाराज ने बताया कि आचार्य महाराज पूछते हैं क्यों बच्चों को दूध मिल रहा है कि नहीं, कुछ ड्राई फ्रूट मिल रहा है खाने को कि नहीं, ऐसी चिंता करते थे। ऐसे इतने बड़े विशाल संघ का आचार्य भगवान स्वयं कुंडलपुर में कह रहे थे, विश्वास नहीं होता है मुझे ये सब, इतना विशाल संघ कैसे बन गया। कभी उन्होंने अपने मन में अहम का अभाव नहीं लाए, हमेशा बस
आचार्य गुवर ज्ञान सागर जी महाराज को याद करते थे, और सारा श्रेय उन्हीं को दिया करते थे। और वास्तव में देखिए, अपन सभी लोग संसारी जीव हैं, वो महामानव थे, उन्होंने उन आचार्य गुवर ज्ञान सागर जी महाराज के वचनों को आज सार्थक किया है कि मरना हो तो मर जा, जीते जी कुछ कर जा। ऐसी कार वो कर गए कि आज उन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, किंतु इस पंचम काल के अंत तक भी अपन सभी उनको भूल नहीं पाएंगे। ऐसा उन्होंने किया है। देखिए, जो आचार्य भगवंतों ने वाणी लिखी है, आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकरण स्वाधिकाचार में लिखते हैं, एक श्लोक आता है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोग नि प्रतिकारे संलेखना आर्या माहू। ये कहा ही गया है, जो कोई भी मुनि महाराज हम आचार्य भगवान हमेशा समझाते थे, जो कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, मुनि महाराज बनता है, उसकी अंतिम लक्ष्य तो दीक्षा लेते ही प्रारंभ हो जाता है। और उनका ये अंतिम लक्ष्य था, अपन लोगों को ऐसे लग रहा है, पर हमेशा वो जागृत थे, हमेशा सावधान थे। और अभी जब ऐसा रोग आ गया कि जिस रोग के कारण अब इस शरीर के माध्यम से इस रत्नत्रय धर्म का पालन नहीं हो सकता था, जैसा शास्त्रों में बताया है मुनि महाराज को कि जब तक आपकी जंघाओं में बल रहे, आपका शरीर खड़े होकर के ही मुनि महाराज की चर्या हुआ करती है, आहार लेते बने। सबसे बड़ी अपन सबको इस बात का तो दुख है ही, और अपन सब अनाथ हो गए, उनका वरद हस्त अपन सबके पास, पूरी दुनिया के पास था, किंतु खुशी इस बात की है। देखो, सभी को इस बात की एक अच्छा सोच रखना चाहिए अपन को, और भावना बहाना चाहिए कि उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया, किंतु अपनी चर्या में रंच मात्र भी दोष नहीं रंगने दिया। अंत समय तक भी जब उनको ऐसे लगने लगा कि अभी शरीर काम नहीं कर रहा है, तो जो हम लोग तो 1000 किलोमीटर दूर थे, जो समाचार प्राप्त हुआ, आचार्य भगवान ने कह दिया, अब मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना, ब्लड टेस्ट नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, हमारा आदि कोई इस शरीर को बचाने के लिए सामान्य उपचार जो हो सकता है उसके माध्यम से शरीर बच जाए तो बच जाए, ऐसा शायद उन्होंने मन में सोच लिया। और उन्होंने फिर हमेशा आचार्य भगवान की ये रहा ही, ये जीवन पूरा रहा है, उन्होंने अनेक प्रकार के उपसर्ग और परिसहों को अनेक बार सहा। जितनी दृढ़ता और साहस उनके अंदर थे, शायद किसी के अंदर नहीं हो सकता है। अभी भी हमेशा उनको देखा, ऐसी उत्कृष्ट चर्या रही, उनके चर्या के बारे में अपन सुने ना, कोई भी व्यक्ति सुने तो सुन ही सकता है, अपन बात ही कर सकते हैं। देखिए, ऐसी उस युवावस्था में उन्होंने दीक्षा ली, तभी से उन्होंने, मुझे तो लगता है कि अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना प्रारंभ कर दी थी। उस 22 वर्ष की उम्र में ही नमक और मीठे का त्याग कर दिया उन्होंने। फिर धीरे धीरे अपने जीवन में और तपस्या को अपने बढ़ाया, हरि का भी त्याग कर दिया, ड्राई फ्रूट्स का भी त्याग कर दिया, फ्रूट्स का भी त्याग कर दिया। ये उनकी साधना को अपन देखेंगे तो उन्होंने दीक्षा लेते ही समाधि की साधना प्रारंभ कर दी थी।
और अभी जब परिस्थिति को देखा तो सुनने में आया था कि एक दिन वो है थोड़े से खड़े हुए और बैठ गए। उन्होंने कहा बहुत ले लिया, अपन सब लोग नहीं समझ पाए। और मुझे तो ऐसे लगता है कि उसी दिन उन्होंने अब त्याग कर दिया आहार पानी का कि अभी शरीर काम नहीं कर रहा है तो अब हम इस धर्म को हमें नहीं छोड़ना है। इस रत्नत्रय धर्म को हमने जो धारण किया है ये शरीर छूटे तो छूट जाए, ऐसा उन्होंने सोच लिया। और बिल्कुल समता के साथ शांत भाव से मौन को धारण कर लिया। जब भी कोई व्यक्ति वहां पर गए तो वहां पर उनके दर्शन किए। सुनने में आया है कि अंत में क्षमता न्यापक श्रीमान क्षमता सागर जी महाराज अपने ससंग वहां पर पहुंचे, उन्होंने नमोस्तु किया तो सिर्फ आंख के इशारे से ही उनका नमोस्तु स्वीकार कर लिया, बाकी मौन धारण किए हुए थे। वो अपने आत्मा में लीन थे, वो पंच परमेश्वर के स्मरण में लीन थे। और तीन दिन से निर्जल उपवास आचार्य भगवान का चल रहा था। तीन दिन से उन्होंने पूरे संपूर्ण आहार का त्याग भी उनका था। और आप सभी ने अब सुनी लिया है कि आज रात्रि में लगभग 2:30 पर आचार्य श्री ने अपने इस जड़ शरीर को त्याग दिया और उस रत्नत्रय के फल स्वरूप निश्चित वह जाकर के उस स्वर्ग में महान इंद्रपद को प्राप्त हुए होंगे। अपन देखें इस पंचम काल में तो आचार्य चारित्रवती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने एक महान इस संलेखना को समाधि को प्राप्त किया था। उसके बाद ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी महान महान उस संलेखना को प्राप्त किया। बाकी किसी का सुनने में नहीं आता है कि इतने पूरे संपूर्ण त्याग के साथ पंच परमेश्वर का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया हो। अपन सभी को आज समझना है कि उन आचार्य भगवान ने जो हमें ये मार्ग दिया है, हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों को जितने भी मुनि महाराज हैं, जो भी आरिकाएं हैं, आचार्य भगवान का पूरा संघ है कि उनके माध्यम से हमें ये मोक्ष मार्ग मिला है। आचार्य भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि हे आचार्य भगवान, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे हम भी ऐसी समता को धारण कर सकें, ऐसे हमारे अंदर शक्ति आए कि हम भी अपने अंत समय तक जितनी भी हमारा आयु कर्म है इन महाव्रतों का निर्दोष पालन करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करें। और क्या कहें आप लोगों से भी यही कहूंगा, ये मानव जीवन अपन को बहुत मुश्किल से मिला। देखो इस शरीर की आयु पूर्ण हो जाएगी फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, फिर तो ये पंक्तियां ही रह जाती हैं सामने, बस दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती वरिया जीव को कोई ना राखा नहार, ये पंक्तियां ही रहेंगी बस। तो इस मनुष्य जीवन का एक एक क्षण एक एक पल हमारा धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत हो, जीते जी कुछ हम कर लें, जैसा आचार्य भगवान ने करके दिखा दिया, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद भी इस धरती पर हमेशा याद किए जाएंगे, हमेशा जीवित रहेंगे, वो मर नहीं सकते। अपन सभी लोग उनसे उनके जीवन चरित्र को देख करके प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के उनके बताए मार्ग पर चलें। ये आप और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अपन सबको भी उनके आशीर्वाद से
वह अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो। कहते हैं जिसकी अगर अच्छे से संलेखना हो जाती है, जिसे आचार्य भगवान ने अपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया, दो तीन भाव ही बचते हैं अथवा सात आठ भाव बचते हैं बस, उसके बाद वो व्यक्ति नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है। आचार्य भगवान ने तो ऐसी साधना की है, ऐसी आत्मा की और प्राणी मात्र के लिए कल्याण की भावना वाई है, प्रभावना की है, निश्चित समय लेना कि वह कुछ ही भाव में उस अपने अंतिम लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त करें, यही भावना भाते हुए। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा कर करुणा करो कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुनय कर कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलू मोक्ष महन की ओर। मुरे समाधिस्त वर्तमान के वर्धमान संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय।